नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा एक्ने स्कार्स के बारे में या मुहासे के कारण होने वाले दागों के बारे में। दागों के बारे में बात करने के पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक्ने को ट्रीट करना दागों को ट्रीट करने के मुकाबले बहुत आसान है। एक्ने को लोकल एप्लीकेशन द्वारा, क्रीम्स द्वारा, दवाइयों के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसको इस स्टेज में नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्कार छोड़ेंगे तो उनको ट्रीट करना थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही एक्ने स्कार्स के बारे में, और उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस स्टेज में पेशेंट आया है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आया है तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो पिगमेंट्री चेंजेस हो सकते हैं या एक्चुअल स्कार्स हो सकते हैं। पिगमेंट्री चेंजेस तीन तरह के हो सकते हैं कि एक तो वो जो निशान है वो थोड़े से रेड हो, एरिथेमेटस हो, या वो हाइपर पिगमेंटेड हो, डार्क हो गए हो, जो कि इंडियन स्किन में या ब्राउन स्किन में ज्यादा होता है, या वो हाइपो पिगमेंटेड हो गए हो या हल्के रंग के हो गए। तो अगर पेशेंट रेडनेस वाली स्टेज में आया है, एरिथेमेटस स्टेज में आया है, तो ये स्टेज ऐसी होती है कि अपने आप कुछ महीनों में ठीक हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है। थोड़ा क्रीम्स की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वन शुड वेट, और उसके बाद ये रेडनेस धीरे धीरे कुछ महीनों में कम हो जाती है। अगर पेशेंट हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्किन की स्टेज में आया है, जब एक्ने के आसपास की स्किन डार्क हो गई है, तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रीम्स के द्वारा ही उसको ठीक किया जाता है। और सनस्क्रीन का इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल होना जरूरी है। सनस्क्रीन हाइपर पिगमेंटेशन को दोबारा होने से रोकते हैं। बहुत सारी क्रीम्स उपलब्ध हैं जिससे कि हाइपर पिगमेंटेशन कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन दोबारा होने से रोकने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हाइपो पिगमेंटेड या हल्के रंग के दागों को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको या तो मेकअप के द्वारा हाइड किया जा सकता है, या अगर कोई चाहे तो मेलानोसाइट ट्रांसफर वगैरह किया जा सकता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट आसान नहीं है। अब बात करते हैं ट्रू स्कार्स की। ट्रू स्कार्स भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो हाइपरट्रॉफिक हो सकते हैं, स्किन की सरफेस से रेज्ड हो सकते हैं, जिसको कि हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं, या वो एट्रॉफिक स्कार्स होते हैं जिसमें कि गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे कई तरह के हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकते हैं, आइस पिक स्कार्स हो सकते हैं, रोलिंग, कई तरह के नाम दिए गए हैं, रोलिंग स्कार्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये सारे एट्रॉफिक स्कार्स हैं जिसमें कि स्किन की लेयर्स की एट्रॉफी हो गई और गड्ढे बन गए हैं। हाइपरट्रॉफिक या रेज्ड स्कार के लिए स्टीरॉयड के इंजेक्शन काम में आते हैं। उनको लगाने से बहुत जल्दी ये स्कार फ्लैट हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो इचिंग वगैरह हो रही होती है वो भी कम हो जाती है, और सिलिकॉन जेल शीट भी इसमें काफी उपयोगी होती है। तो ये दो तरीके होते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर वो एट्रॉफिक स्कार है तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। ये डर्मा रोलर, माइक्रो नीडलिंग और लेजर कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा इसमें काफी इम्प्रूव, लेजर काफी इफेक्टिव रहता है और काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन अगर ये गड्ढे ज्यादा गहरे हों तो कुछ और सर्जिकल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। इन मेथड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सब सीजन। सब सीजन में क्या होता है कि जो स्कार नीचे की तरफ स्टक है, चिपका हुआ है, एक शार्प नीडल के द्वारा उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ऑब्वियसली लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, कोई पेन नहीं होता। और जब वो स्कार रिलीज हो जाता है, स्किन ऊपर आ जाती है, तो वो ऊपर बनी रहे इसके लिए उसके नीचे फैट ग्राफ्टिंग कर दी जाती है या फैट इंजेक्ट कर दी जाती है। वो इस स्किन को ऊपर की तरफ पुश्ड अप रखती है और उसको फ्लैट कर देती है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इस लेडी के लिए यही प्रोसीजर किया गया, सब सीजन फॉलोड बाय फैट ग्राफ्टिंग, और ये कुछ महीने बाद का रिजल्ट है जिसमें कि स्कार्स, एट्रोफिक स्कार्स काफी बेटर हो गए हैं। जो दूसरा तरीका है, सर्जिकल तरीका इन स्कार्स को ठीक करने का, वो है डर्माब्रेजन। डर्माब्रेजन क्या होता है कि इसमें स्किन की सरफेस को बर के द्वारा या सैंड पेपर्स के द्वारा रब किया जाता है और आसपास की स्किन को थोड़ा सा लोअर कर देते हैं ताकि वो उस स्किन उस गड्ढे के लेवल तक आ जाए। इस डायग्राम के जरिए आप इस प्रोसीजर को बेहतर समझ सकते हैं। सपोज ये स्किन है और ये उसके नीचे की फैट है, क्रॉस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, और ये जो स्किन में गड्ढे हैं या एक्ने स्कार्स हैं,
ये अलग अलग डेप्थ के होते हैं, कोई बहुत सुपरफिशियल होता है, कुछ थोड़ा अंदर गया है, कुछ ज्यादा अंदर तक गया हुआ है, और ये स्किन की थिकनेस है। तो डर्माब्रेजन में स्किन की ऊपर की लेयर्स को रगड़ के हटा दिया जाता है। तो अगर आपने इतना इसको हटा दिया तो बचेगा क्या, जितने सुपरफिशियल स्कार्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और डीप स्कार्स हल्के हो जाएंगे और स्किन की थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये स्थिति बचेगी। तो डर्माब्रेजन के द्वारा सुपरफिशियल स्कार्स को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और जो गहरे स्कार है उनको हल्का किया जा सकता है। तो स्कार पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते, हाँ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाते हैं और स्किन काफी बेटर हो जाती है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 100% रिजल्ट आ जाएगा, 50-60-80% तक इम्प्रूवमेंट संभव है डर्माब्रेजन के द्वारा। तो आइए अब एक पेशेंट देख लेते हैं जिसमें कि डर्माब्रेजन के द्वारा इन स्कार्स को हटाया गया है। इस फोटोग्राफ में चीक के ऊपर स्कार्स दिखाई दे रहे हैं जो गड्ढे के रूप में है, ट्रॉफिक स्कार्स हैं, और ये डर्माब्रेजन के बाद का रिजल्ट है जिसमें कि ये स्कार्स काफी हद तक हट गए हैं और काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।